नाम का भिखारी रहता था। वो लोगों से भीख मांग मांग के खाना जमा करता था। हर दिन उसका खाना एक बिल्ली चुरा लेती थी। एक दिन उसने उस बिल्ली को पकड़ा और उससे सवाल किया, ओ बिल्ली, तुम मेरा खाना क्यों चुराती हो? जाके अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे भाग्य में ही है कि मैं तुमसे चुराऊं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम अपने साथ सिर्फ 8 चीजें रख सकते हो, चाहे जितनी भी इकट्ठी कर लो। ये सुनके शंभू उदास हो जाता है। मेरी ही ऐसी किस्मत क्यों है? इसका जवाब तो तुम्हें बुद्धा ही दे पाएंगे। अगले ही दिन वो बुद्धा को ढूंढने निकल जाता है। पूरा दिन यात्रा करके वो एक धनी आदमी के घर पहुंचता है और वहां पे रात रुकने का मन बनाता है। वो जाके उसका दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है। भाई साहब, मैं यहाँ नया हूँ और मैं सफर कर रहा हूँ, क्या मैं रात में यहाँ रुक सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ भाई, बैठो बैठो। तभी वहाँ से उस आदमी की बीवी पानी लेकर आती है। ये लीजिए भाई, पानी पीजिए। कहाँ जा रहे हो वैसे आप यात्रा पे? मैं बुद्धा की खोज में जा रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं। अच्छा, क्या आप हमारा भी एक सवाल उनसे पूछ लेंगे? जी बिल्कुल, बोलिए। हमारी 19 साल की बेटी है, वो बोल नहीं पाती। क्या आप बुद्धा से पूछेंगे कि वो कब बोल पाएगी? जी मैं बिल्कुल पूछ लूंगा। अगले ही दिन सुबह शंभू यात्रा पे फिर से निकल जाता है। धन्यवाद भाई साहब, मैं आपका सवाल बुद्धा से जरूर पूछूंगा। शंभू फिर से चलना शुरू कर देता है और रास्ते में उसे बहुत सारे पहाड़ मिलते हैं, जिनके बीच में से वो जाता है। हे भगवान, इन पहाड़ों पे चल चल के तो मैं थक गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे एक जादूगर मिल जाता है। भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये पहाड़ पार करने के लिए? बिल्कुल, आओ बैठ जाओ मेरी छड़ी पे। जादूगर और शंभू दोनों ही छड़ी पे बैठकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने पर जादूगर शंभू से सवाल करता है, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो तुम इन पहाड़ों के बीच से? मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब पूछने। क्या तुम मेरा भी एक सवाल बुद्धा से पूछ लोगे? हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो। मेरी उम्र 1000 साल हो चुकी है और मेरी शिक्षा के अनुसार अभी तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो कि मैं कब तक स्वर्ग पहुंच जाऊंगा? ठीक है, मैं तुम्हारा ये सवाल बुद्धा से पूछ लूंगा। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसके रास्ते में एक बड़ी सी नदी मिल जाती है, जिसे पार करके ही वो बुद्धा के पास पहुंच पाता। हे भगवान, ये नदी कैसे पार करूं मैं? भाग्य से उसे एक कछुआ मिलता है, जो उसे नदी पार करवाने का बोलता है। जब वो नदी पार करवा रहा होता है, तो वो कछुआ उससे एक सवाल पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बुद्धा के पास जा रहा हूँ अपने सवालों का जवाब मांगने। अच्छा, क्या तुम मेरा भी एक सवाल पूछोगे उनसे? हाँ हाँ ठीक है, बताओ अपना सवाल। मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछोगे कि मैं कब तक ड्रैगन बन जाऊंगा? धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार करवाने के लिए।
मैं आभारी रहूंगा, मेरा सवाल पूछना मत भूलना। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। शंभू फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देता है और आखिरकार वो बुद्धा के मठ पर पहुंच जाता है। वो मठ के बाहर खड़ा होके चैन की सांस लेता है। आखिरकार मैं पहुंच ही गया। वो अंदर पहुंचता है और बुद्धा को सादर नमस्कार करता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें बुद्धा, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ आपसे कुछ सवालों का जवाब पाने के लिए। बेशक पूछ सकते हो, पर मैं सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा। याद रहे, केवल 3 सवाल। शंभू हैरान रह गया। पर मेरे पास 4 सवाल हैं, क्या करूं? वो ध्यान से सोचता है। वो कछुए के बारे में सोचता है। कछुआ 500 सालों से जी रहा है ड्रैगन बनने की ख्वाहिश में। बेचारा प्राणी, जिंदगी कितनी कठिन होगी उस गहरे पानी में। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग में जाने की कोशिश में। 1000 साल काफी लंबा टाइम है, उस जादूगर को अब स्वर्ग में चले जाना चाहिए। आखिर में उस लड़की के बारे में सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। पूरा जीवन बिना कुछ बोले, ये तो क्रूरता है। फिर वो अपने बारे में सोचता है। मैं बस एक बेघर भिखारी हूँ, मैं घर जाके फिर से भीख मांग सकता हूँ। कुछ नहीं बदलेगा, पर उन सब का जीवन बदल सकता है अगर उन्हें उनका जवाब मिले तो। जैसे ही उसने दूसरों के बारे में सोचा, उसे अपनी समस्या छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस हुआ उस कछुए, जादूगर और उस लड़की के लिए। इसीलिए उसने उन 3 का सवाल पूछने का सोचा। बुद्धा ने जवाब दिया। कछुआ 500 साल से ड्रैगन इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपने ढांचे से बाहर नहीं आएगा, वो कभी भी ड्रैगन नहीं बन सकता। ओह, ये किसने सोचा होगा? वो जादूगर कभी अपनी छड़ी नीचे नहीं रखता, जिस कारण वो उसके सहारे की तरह है, जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। ओह, मैं जरूर उन्हें बताऊंगा। और उस लड़की का क्या? वो लड़की जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। ओ महान बुद्धा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धा शंभू की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। शंभू ने बुद्धा को प्रणाम किया और वो अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वो कछुआ फिर से मिला। क्या तुमने पूछा? हाँ बेशक, तुम्हें बस अपना ये ढांचा निकालना है और तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समंदर में मिलते हैं, जो वो उस शंभू को दे देता है। इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से तोहफा है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ। धन्यवाद भले इंसान। और वो उड़ जाता है। आगे जाते ही पहाड़ की चोटी पर वो फिर से जादूगर से मिलता है। क्या तुमने मेरा सवाल पूछा? हाँ हाँ, आपको बस अपनी छड़ी छोड़नी पड़ेगी, आप स्वर्ग पहुंच जाओगे। सच में? हाँ, बुद्धा ने यही कहा था। इस तरह जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और वो शंभू को अपनी छड़ी देकर उसे धन्यवाद कहकर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। अलविदा इंसान, अच्छे से रहना। अब शंभू के पास
कछुए के दिए मोती और जादूगर की छड़ी भी थी। वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे आसरा दिया था। वो उसे देखकर खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। महान बुद्धा ने कहा है कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। और उसी क्षण वो लड़की नीचे आई और बोल पड़ी, माँ क्या ये वही इंसान है जो पिछले हफ्ते आए थे? वो लड़की और उसकी माता पिता हैरान थे। वो शंभू की ओर देखते हैं। वही उसका हम सफर था। माता पिता ने उनकी शादी कर दी और वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो भी काम संसार में अच्छा करते हैं वो वापस हमारे पास ही आता है।